नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है शिव्स म्यूजिक एकेडमी चैनल में। ये वीडियो है लेसन नंबर 3 जो मैंने बांसुरी की सीरीज स्टार्ट की थी, फ्लूट लेसन्स, जिसको मैं हर हफ्ते डालने की कोशिश करता हूँ अपने चैनल पर। तो उसमें ये लेसन नंबर 3 है। अगर आप ये लेसन्स पहली बार देख रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको सारे लेसन्स की लिंक मिल जाएगी। जो इससे पहले के 2 लेसन हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। तो आप अगर शुरू से सीखना चाहते हैं तो वो लेसन आप देख के प्रैक्टिस कीजिए, फिर इस लेसन 3 पर आइए। तो इस लेसन में हमारा उद्देश्य क्या है, ठीक है? हमारा एम है कि हमको दो तरह के साउंड निकालने हैं एक ही जगह से। ये कैसे निकालने हैं ये हमको सीखना है इस वीडियो में। और पिछली वीडियो में यानी कि लेसन नंबर 2 में मैंने आपको कुछ काम करने के लिए दिया था, कुछ होमवर्क दिया था जो बांसुरी से ही रिलेटेड था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वो किया होगा और आप अपनी प्रैक्टिस के साथ ये लेसन देख रहे होंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बांसुरी में आवाज कैसे निकलती है, फूंक के जरिए। इनको हम नोट्स बोलेंगे, ठीक है? जो 6 होल्स हैं इन पर जब हम उंगलियां रखते हैं तब उंगलियों को जब हटाएंगे फिर से रखेंगे, उन वेरिएशन से साउंड निकलता है, स्वर निकलते हैं। जैसे ठीक है दोस्तों, मैंने पहले 3 होल्स कवर किए थे, फिर 1 पर उंगली रखी तो साउंड चेंज हुआ, 2 पर उंगली रखी तो साउंड और कुछ निकला, जैसे अभी 1 पर रखा, 2 पर रखा, 3 पर रखा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है, ठीक है? तो कैसे हम स्वर को चेंज करते हैं, कैसे हम फूंक देते हैं, ये सब चीजें आपको सीखनी है खुद से, ठीक है? आप हेल्प ले सकते हैं दूसरों की, लेकिन जब तक आप खुद से नोटिस नहीं करेंगे तब तक आपको ये चीज़ें नहीं आएगी। तो अब आते हैं हम मेन टॉपिक पर कि आपको एक जगह से ही 2 आवाज़ कैसे निकालें। पहले मैं आपको बजा के दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। जैसे अभी मैंने सारे होल्स कवर किए हैं, अरे ये कैसे आई, ठीक है? तो ये लाने में बहुत लोगों को दिक्कत होती है। ये 2 तरीकों से आ सकती है, एक तो जब हम चाहते हैं तब, और एक जब नहीं चाहते तब। और जो दूसरी कंडीशन है जब हम नहीं चाहते, वो ज़्यादा परेशान करती है, क्योंकि जब लोग शुरुआत में सीखना शुरू करते हैं बांसुरी तो ये प्रॉब्लम बहुत आती है कि एक ही नोट पर उनको, जब वो लो में बजाना चाहते हैं तब हाई साउंड आता है, और जब हाई में बजाना चाहते हैं तो लो साउंड आता है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आप इसको ज़रूर देखिए एंड तक, ठीक है? और आप इस वीडियो में बने रहिए ताकि आपको कुछ समझ में आए। तो सबसे पहले इस लेसन नंबर 2 में मैंने आपको बताया था कि हमको हमारी फिंगर्स कैसे चलानी है बांसुरी पर। इस तरह से हमने कवर किया। तो सबसे पहले आपको यह जानना है कि इस बांसुरी का सबसे नीचा वाला स्वर कौन सा है, ठीक है दोस्तों? तो जब हमने 6 होल्स को कवर किया, ठीक है दोस्तों, और इसमें जो लो ऑक्टेव थी वो इसका सबसे नीचा वाला स्वर है। फिर जब मैंने 1 उंगली हटाई तो स्वर बढ़ा, अब 2 उंगली हटाई, यहां तक आपको समझ में आया कि मैं एक एक करके उंगली हटाते गया तो साउंड जो है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती गई, यानी कि वो मोटे से पतला होने लगा। अब आपको ये नोटिस करना है कि हम इस पर दूसरे ऑक्टेव में कैसे जाएं, ठीक है दोस्तों? आपने यहां पर एक एक करके ऑक्टेव खत्म कर दी, तो एक्चुअली दूसरी ऑक्टेव फिर से शुरू होगी, ठीक है दोस्तों? जैसे हमारे पास कीबोर्ड होता है, गिटार होती है, उसमें हमको साफ साफ दिखता है कि ये अलग अलग नोट है। एक ऑक्टेव खत्म होगी फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑक्टेव शुरू होगी। यहाँ पर 6 होल्स हैं, ऐसा नहीं कि फिर 6 फिर से शुरू हो गए, ठीक है दोस्तों? ऐसा नहीं कि इसमें 12 होल्स हैं, सिर्फ 6 होल्स हैं। इन्हीं 6 पर आपको 2 ऑक्टेव बजानी है। क्या कहा मैंने? इन्हीं 6 होल्स पर 2 ऑक्टेव बजेंगी, ठीक है? तो फर्क कहाँ आएगा? आपकी फूंक का, ठीक है? ध्यान से सुनिए, फर्क कहाँ आएगा? आप जो फूंक मारेंगे अपने होठों से इस होल पर, ठीक है, ब्लोइंग होल पर जब आप फूंक मारेंगे तो फर्क सिर्फ उसका आएगा, क्योंकि और तो मैंने कुछ वेरिएशन किया ही नहीं है, और तो कुछ मैंने कुछ चीज बदली ही नहीं है, ठीक है? उंगलियां सेम थी, उंगलियां सेम रखी, पोजीशन सेम थी, पोजीशन सेम रखी, और तो कुछ है नहीं, ठीक है? और सिर्फ बचा मेरे पास मेरे होंठ और
फूंक देने का तरीका। तो देखिए ये लोअर ऑक्टेव, ये इस लो ऑक्टेव से एक ऑक्टेव हायर, तो उसमें आपको अपनी फूंक की इंटेंसिटी बढ़ाना है। ठीक है दोस्तों, आप मुझे मालूम है कि एक बार में नहीं बजेगा ये, आप धीरे धीरे ट्राई कीजिए, पहले एक पोजीशन पे ट्राई करके देखिए, फिर अपने लिप्स को एडजस्ट करके, ठीक है, जैसे अगर आप यहां पे रख रहे हैं तो थोड़ा इसको आगे, फ्लूट को आगे पीछे करके, ठीक है, फिर आप सारे उसको कवर करके देखिए, इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। ये तो हमने सारे होल्स कवर करके दो साउंड निकाले, फिर आप एक होल को हटा के फिर से दो साउंड निकाल सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है, जब हम ज्यादा इंटेंसिटी से फूंक मारते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, तो वही फ्रीक्वेंसी जो साउंड निकलता है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाता है। तो ये ही मेन कॉन्सेप्ट है कि हम एक होल से दो साउंड कैसे निकालें, यानी कि दो ऑक्टेव के नोट्स हम कैसे बजाएं एक बांसुरी पर। फिर से देखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हर एक होल पर आप दो साउंड निकाल सकते हैं। अगर आपको एक बार में नहीं आता तो हिम्मत मत हारिए, दो बार में नहीं आता तो हिम्मत मत हारिए, आप कोशिश करते रहिए, कभी ना कभी तो आएगा। और जिस वक्त वो साउंड निकल के आए, वो आपको ध्यान में रखना है, अपने माइंड में रखना है कि क्या ऐसा मैंने क्या किया कि वो साउंड निकल के आया, वो आपको चीज़ ध्यान रखनी है। और फिर जब भी आप फ्यूचर में बजाएंगे तो वो चीज़ आपको अप्लाई करनी है। यही मेन कॉन्सेप्ट है खुद से सीखने का। जो गलती आप पहले कर रहे हैं या फिर जो गलती नहीं कर रहे हैं, तो वो सब आपको नोट करते जाना है, और जब आपने गलती करी है पहले तो वो आपको आगे चल के नहीं करनी है। वही चीज़ आपको सबसे ज़्यादा सिखाती है। फ्लूट में 1 2 3 4 5 6 छः होल्स हैं प्लेइंग होल। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या कर सकते हैं, सभी छः होल्स को कवर करके आप साउंड निकालिए। जो साउंड आता है कोशिश कीजिए कि दो तरह से साउंड आप निकाल पाएं। ठीक है, अगर एक साउंड आता है तब भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, एक आ गया आपका तो फिर दूसरा आ ही जाना है। ठीक है दोस्तों, तो फिर से आप देख लेते हैं एक बार, ये लो ऑक्टेव, ये सेम पोजीशन पर हाई ऑक्टेव, ये लो ऑक्टेव सेम पोजीशन पर हाई ऑक्टेव, उसी तरह से। तो ऐसे आपको बढ़ते जाना है, और सभी नोट्स पर, सभी होल्स पर प्रैक्टिस करनी है आपको दो तरह के साउंड बजाने की। तो आपका होमवर्क का टाइम आता है अगले हफ्ते तक, जब तक लेसन नंबर 4 आए तब तक आपको ये प्रैक्टिस पूरी करनी है। ठीक है दोस्तों, एक हफ्ते का टाइम काफी है, पहले दिन नहीं आया दूसरे दिन नहीं आएगा, आप ट्राई करते रहेंगे तो आ जाएगा चौथे या पांचवें दिन, पहले दिन भी आ सकता है। तो डिपेंड करता है कि आपकी नॉलेज कितनी है, आप कितना ग्रेस्प करते हैं और आप कितना प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो जो प्रैक्टिस करनी है आपको अगले हफ्ते तक, ठीक है, वो यही है, सारे होल्स पर रखिए। ठीक है दोस्तों, फिर इसको आप वापस भी ला सकते हैं।
बीच में कुछ आपसे गलतियां भी हो सकती हैं, तो वो धीरे धीरे संभल में धीरे धीरे सुधर जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको सिर्फ प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है, सीधी प्रैक्टिस करते जाइए, कंटिन्यूस लेसन्स को फॉलो कीजिए, वो प्रैक्टिस आपको सिंसियरली करनी है, मन लगा के, तब आप सीख पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप अगले अगले हफ्ते तक ये होमवर्क जरूर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेसन में, लेसन नंबर 4 में, बांसुरी के। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही जो नीचे बेल आइकन है उसको आप प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं हम अगले ही वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।